नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी एनालिसिस करते हैं जो कि डेली एडिशन का होता है। तो आज है 12 सितंबर 2018, तो चलिए देखते हैं आज के एडिटोरियल में कौन कौन सी न्यूज़ हैं और आज की कौन कौन सी करंट अफेयर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कुछ मोटिवेशनल लाइनें जो कि हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई हैं कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी बदलाव कहीं देखना चाहते हैं तो वह बदलाव सबसे पहले आप अपने आप में कीजिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि गंदगी ना हो आपके चारों तरफ, आपके शहर में गंदगी ना हो, आपके देश में गंदगी ना हो, तो उससे पहले आपको अपने घर को साफ करना होगा और जो कचरा है उसको एक निश्चित स्थान पर डस्टबिन वगैरह में डालना पड़ेगा। साथ ही महात्मा गांधी जी के ऐसे विचार थे कि इनने खुद पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए फिर दूसरे लोगों को सलाह दी। जैसे इनने खुद पहले व्रत रखने को कहा। दोस्तों आपको पता होगा कि उस टाइम पे जब 90 के दशक के पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ बहुत गरीबी थी, लोग भूखे रहते थे, खाने के लिए चीज़ें नहीं होती थी। तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने कहा कि इसका कोई समाधान निकालने के लिए इनने क्या किया, खुद पहले उपवास रखा एक दिन का। इनने कहा कि एक दिन का उपवास रख के देखता हूँ जिससे कि जो खाना मैं खाता हूँ वह खाना बचेगा और दूसरे गरीब लोगों को वह खाना मिल जाएगा। तो इसी तरह इनने पहले खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इनने दूसरों से कहा कि आप ऐसा कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो जाए। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप खुद अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि खुद अगर खुद पढ़ना स्टार्ट कर दो फिर दूसरों को सलाह दो कि आप ऐसा पढ़ें, तो पहले खुद करके देखें बाद में दूसरों को सलाह दें। तो इस तरह से बात की जा रही है, तो पहले खुद को बदलना होगा बाद में ही दुनिया बदलेगी, ना कि पहले दुनिया बदलेगी बाद में आप। तो आपको अपने आप में ही बदलाव लाने पड़ेंगे। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल में हमारे पास जो न्यूज़ है वह जो पहली न्यूज़ है यह वाली जो पहले ही पेज पर है, यह वाली न्यूज़ पॉलिटिक यानी राजनीति से संबंधित है। इसमें सिर्फ राजनीतिक बातें की जा रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस सरकार है वह महागठबंधन बनाने की बात की जा रही है 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के भी चुनाव होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इस तरह से। तो इस बार क्या कर रहे हैं यह लोग, कांग्रेस पार्टी है जो महागठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं जो कि और भी पार्टियों को मिलाकर इस चुनाव की तैयारी की जा रही है। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके साथ जो यह वाला आर्टिकल है, इसके बगल वाला यह वाला आर्टिकल है, इसमें कहा जा रहा है जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह किस तरह से आगे बढ़ रही है, और साथ ही जो FDI और UPI हैं इनसे संबंधित बातें कही जा रही हैं कि जो कि विदेश से पैसा आता है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किस तरह से वह नुकसानदायक है हमारे यहाँ की, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, तो यह सभी बातें इस वाले आर्टिकल में कही जा रही हैं। इसी के साथ अगला जो यह वाला आर्टिकल है, जो इस आर्टिकल में जो अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कोरेगांव में जो अभी जो दंगे वगैरह हो गए थे तो उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था यह कहकर कि इन लोगों के जो माओइस्ट हैं उनसे संबंधित है, यानी कि जो नक्सलवादी लोग हैं उन लोगों के साथ संबंधित है और वह यह लोग इन लोगों की नक्सलवादियों की मदद कर रहे थे, तो इस यह कहकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी से संबंधित है कि किस तरह से हमारे देश में गतिविधियाँ हो रही हैं और किस तरह से देश की डेमोक्रेसी को के ऊपर एक तरह से सवाल उठाया जा रहा है, इससे संबंधित बातें हैं। तो हम इस आर्टिकल को समझेंगे कि क्या क्या आगे कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। तो अगला यह आर्टिकल है, जो यह आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से संबंधित है, जो कि स्वीडन में अभी किस तरह से चुनाव हुए और किस तरह से उसमें जो पार्टी हैं उनकी उनने अपने कदम उठाए और किस तरह से उन्हें अपनी वोट नहीं मिली। तो यह स्वीडन किससे संबंधित है और वहाँ की राजनीति से संबंधित है, तो इस आर्टिकल को भी हम थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद जो यह पेज है, इस पेज पर आज है बुधवार, तो आज यहाँ पर इंटरव्यू आया है। किसका इंटरव्यू आया है, जो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे जो महेंद्र
महेंद्र राजपक्षे, तो इनका इंटरव्यू आया है, तो इनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या इनने कहा है। इसी के साथ यह जो आर्टिकल है, यह जो हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है इससे संबंधित है कि किस तरह से हमें एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना होगा और किस तरह से हमारी एजुकेशन को आगे ले जाकर सुधार करना चाहिए ताकि आगे जाके जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं वो आगे जाके और उन्नति करें और आगे जाकर और अच्छी तरीके से साइंस की फील्ड में भी अच्छी तरह से डेवलप्ड करें। कुछ नोबेल पुरस्कार वगैरह बारी बातें हैं, जैसे कि कुछ पुरस्कार होते हैं उनसे संबंधित भी बात कही गई है, तो इसको बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। यह वाला आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, और आज आप यहाँ देख सकते हैं कार्टून सेक्शन में मोदी जी दिखाए जा रहे हैं, तो यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास अगर न्यूज़पेपर हो तो आप उसमें भी देखकर तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो इसी के साथ चलते हैं हमारी पहली न्यूज आर्टिकल की तरफ, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। तो यह न्यूज संबंधित है स्वीडन। स्वीडन की मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ कहाँ पर की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा मैप, इसमें रहा ये रहा सामने आपके इंडिया, इसको थोड़ा सा इस तरफ चलेंगे यूरोप में, तो आप देख सकते हैं इस तरफ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, इसके साथ डेनमार्क, और ये रहा इधर स्वीडन। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो ये देखिए ऊपर रहा नॉर्वेजियन सी, आइसलैंड ये हो गया, यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, तो ये बाल्टिक सी में भी आ रहा है, तो इधर गल्फ ऑफ बोथनिया भी है। ये रहा स्वीडन, तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी स्टॉकहोल्म। तो इसके साथ आप आसपास की कंट्री भी याद रख सकते हैं, जैसे कि नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि कहाँ की बात की जा रही है। तो चलते हैं हमारे न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो यह वाली जो न्यूज है इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्वीडन में अभी क्या हुआ था कि चुनाव किए गए थे, जिसमें कि जो सेंट्रल पार्टी थी, आपको एक चीज समझा दूं, सेंट्रल पार्टी और एक होती है राइट सेंट्रल पार्टी और एक होती है लेफ्ट सेंट्रल पार्टी। तो जो राइट सेंट्रल पार्टी होती है वह क्या करती है कि पूरा जो, जैसे आप इंडिया के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें, जैसे कोई भी पार्टी है तो वह क्या करेगी, जो सेंट्रल राइट पार्टी होगी वह पूरे इंडिया के ऊपर फोकस देगी, ना कि एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, जैसे कि एससी एसटी हो गया या फिर कोई सी भी और माइनॉरिटी वगैरह होगी, इनके ऊपर फोकस ना देकर बड़े बड़े जो फील्ड हैं तो उनके ऊपर फोकस देगी, जैसे कि पूरे इंडिया के ऊपर। और एक होती है लेफ्ट सेंट्रल पार्टी, जो कि क्या करती है, जो छोटी छोटी सी कंट्रियाँ, छोटी छोटी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि एस सी एस टी माइनॉरिटी वगैरह हो गए, इन सब के पे फोकस दे के चलती है साथ ही साथ में, और साथ में पूरे इंडिया पर इन सब चीज़ों पर फोकस दे के चलती है। इस तरह की बात होती है कि यहाँ पर जो सेंट्रल राइट पार्टी थी, इसका जो यहाँ पर चुनाव हुए तो इसमें इनको थोड़ी सी अपेक्षा से कम वोटें मिली। इसमें क्या कहा जा रहा है कि किस बेसिस पे वोटें कम मिली, तो आपको इसके लिए एक समझने के लिए मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा हिस्ट्री का, कि आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पर जो अमेरिका है, अमेरिका के चुनाव किए गए थे जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप जी जीत के आए, तो किसी ने नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आएंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी सी उम्मीद कम थी। साथ ही उनने जो कैंपेन में क्या बातें कही थी, उनने कहा था कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो हम सिर्फ जो अमेरिका वासी हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, उन पर फोकस देंगे, और जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ से बाहर करेंगे, क्योंकि वो बाहर से आकर हमारी क्या जॉब वगैरह छीनते हैं, हमारी जगह छीनते हैं, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कम करते हैं। इसी के साथ जो इटली में भी अभी चुनाव हुए थे, तो उसमें भी सेम टू सेम ऐसी बातें दोहराई गई थी। किस मुद्दे पर चुनाव लड़े गए थे कि जो बाहर से जो माइग्रेंट आते हैं, बाहर से जो लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो वो हमारी जॉब छीनते हैं और हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं और जगह भी कम पड़ती है, तो इन बेसिस पे चुनाव लड़े जा रहे थे। इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल राइट पार्टी है, तो इसने किस चीज़ पे फोकस दिया, पूरे कंट्री पे फोकस दिया, और जो दूसरी पार्टीज थी सेंट्रल लेफ्ट पार्टी, उनने क्या किया, एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस दे के कहा कि नहीं, जो बाहर के लोग वगैरह हैं, रिफ्यूजी वगैरह हैं, उनको देश में एंट्री ना दी जाए, जिससे इससे क्या होगा कि हमारी सुरक्षा में भी प्रॉब्लम आएगी, हमारे देश की सुरक्षा खतरे में रहेगी, इसी के साथ साथ हमारी जॉब भी छीनेंगे, तो इस तरह की बातें की गई। तो इसी के चलते इस पार्टी को ज़्यादा वोटें मिली अपेक्षा से, और इस पार्टी को कम वोटें मिली, तो इसी के संदर्भ में बातें कही जा रही हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि है श्रीलंका से संबंधित। आपको थोड़ा सा मैप में मैं श्रीलंका की लोकेशन दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये रहा इंडिया और इसके जस्ट नीचे ये रहा श्रीलंका, यहाँ पर बगल में है ये मालदीव भी है, और यहाँ पर लकाडाइव सी भी है,
इसके साथ यहाँ पर एक जो छोटा सा पार्ट है, इसका नाम अभी यहाँ शो नहीं हो रहा है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार होता है जो ये पार्ट होता है इन दोनों के बीच में। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये जगह कहाँ है और किस किस के बीच में है। इसी के साथ जो इंडिया है, महिला श्रीवर्धने कोलंबो, इसकी कैपिटल हो गई श्रीलंका की, यह आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, जो कि यहाँ पर तमिलनाडु से टच में है। और यहाँ पर जो बीच में यह है रामेश्वरम, आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसी के साथ जो अब यह जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, जो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे हैं, तो इनने कहा था कि हम जो हार के आए थे, जो चुनाव अभी जो चुनाव हुए थे, इसमें इन यह हार गए थे, और इनके साथ इनके जो अपोजिट में थी यह थे मैत्रीपाला सिरीसेना जी, तो यह जीत कर आए थे। तो क्या कहा जा रहा है, इनने इसमें यह कहा है कि हम जो हार कर आए थे, तो इस चुनाव में क्या हुआ था कि जो इंडिया है इनने दखलबाजी की थी। जिस तरह से कहा जाता है कि जो अमेरिका के चुनाव हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप जी जीत के आए थे, उसमें रसिया ने हस्तक्षेप किया है, इसलिए वह जीत के आए। तो इसी के साथ कहते हैं कि जो श्रीलंका में चुनाव हुए थे उसमें क्या है, जो इंडिया है उसने हस्तक्षेप किया था, इसलिए यह हार गया है। और अभी यह कह रहे हैं कि हम अभी जो लोकल चुनाव है उसमें बहुत अच्छी तरीके से जीत के आए हैं, बहुत अच्छे मतों के साथ, और आने वाले चुनाव में हम भी जीत के आएंगे। हालांकि होता क्या है कि यह जो इंसान है, जो यह है व्यक्ति है महेंद्र राजपक्षे जी, यह चाइना का सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह की बातें की जाती हैं। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि अगर भारत को सुरक्षा रखनी है इंडिया में, भारत को अगर भारत देश के अंदर सुरक्षा बनाए रखनी है, तो श्रीलंका में क्या करना पड़ेगा, स्थिरता लानी पड़ेगी, यानी वहां पर एक तरह से अच्छी तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी जहां पर स्थिरता बनी रहे। इसलिए इंडिया को यहां पर बहुत अच्छा तरीके से काम करना होगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना होगा। इसी के साथ यही बात कही जा रही है कि जो ये हार के आए थे, तो इसमें भारत का हाथ था, यह बातें इनके द्वारा कही जा रही हैं। तो इससे साथ देखना होगा कि अब आगे क्या चीज़ें आती हैं निकल के। वैसे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो तो सब बता दी है। इसी के साथ चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो हमारा आर्टिकल है वह है राष्ट्रीय न्यूज़ से संबंधित। तो इसमें आपने देखा होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले वहां पर महाराष्ट्र में गोरेगांव करके जगह पर कुछ गतिविधियां हुई थी, जैसे कि दंगे टाइप हो गए थे, तो वहां पर बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो इसी संबंध में कुछ लोगों को यहाँ पर जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया गया था अलग अलग जगह से। और इसमें कुछ लोग टीचर्स भी हैं, वो कुछ लोग वो जनता की सेवा करने वाले लोग भी हैं, जो कि किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं। तो इस तरह से लोग हैं जो कि जनता की आवाज को यहाँ तक लाते हैं। तो उनको क्या हुआ था, यहाँ महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इनने याचिका दी यहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसी ऐसी बात हुई है, इनको बिना इसके अरेस्ट वारंट के उठा लिया गया है, और अरेस्ट वारंट अगर था भी उनके पास तो मराठी भाषा में था, जो कि इन लोगों को आती भी नहीं थी, समझ में भी नहीं आता था क्या लिखा है। तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसी गतिविधियाँ होती तो हमारी डेमोक्रेसी जो कि प्रजातंत्र है वह खतरे में है, यह अच्छी बात नहीं है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। इसी के साथ जो अभी यह धाराएं लगती हैं इस गतिविधियों में, तो धारा होती हैं धारा नंबर 16 आतंकवादी कृत्यों के लिए, जो आतंकवादियों से संबंधित घटनाएं होती हैं उसके लिए धारा 16 होती है, और धारा 17 किस लिए होती है, आतंकवादी कृत्यों के, जो आतंकवादी वगैरह के जो गठन होते हैं उनके लिए धन यानी कि पैसे वगैरह जुटाकर उन्हें देने के लिए धारा 17 के तहत केस चलाया जाता है। और धारा 18B आतंकवादियों के संगठन में भर्ती के लिए व्यक्ति जाते हैं, जो व्यक्ति प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए जो होती है धारा वह 18B होती है। और धारा 20 आतंकवादी ग्रोह या संगठन के सदस्य होने के नाते, अगर आप किसी आतंकवादी या किसी संगठन के सदस्य होता है कोई व्यक्ति, तो उसको धारा 20 के तहत गिरफ्तार किया जाता है और उसके ऊपर आगे केस चलाया जाता है। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि जो अभी यहाँ के लोगों ने आवेदन दिया है, और आवेदन देने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन लोगों को घर के अंदर नजरबंद कर सकते हैं, ना कि आप इन्हें जेल में रख सकते हैं। तो इसी के साथ कहा जा रहा है कि यह जो लोग हैं यह क्या है, समाज के लोग हैं इनको जो प्रॉब्लम है उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाकर सामने लाते हैं समाज के। और अगर ऐसे ही लोगों को आप गिरफ्तार कर लोगे तो आगे जाके लोग किस तरह से अपने जो परेशानियां हैं वह समाज में लाएंगे, इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसी के साथ अगर किसी के ऊपर यह धाराएं लगती हैं तो उनकी फिर जमानत भी नहीं होती, और जमानत दिलाने में भी बहुत कठिनाई होती है, और कभी कभी तो होती भी नहीं है। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रख सकते हैं।
हालांकि हम इस आर्टिकल को और भी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं 3-4 बार। तो यह थी हमारी पूरी न्यूज आर्टिकल। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। जो अगली न्यूज है वह है एजुकेशन से संबंधित। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। इसी के साथ जो कहा जा रहा है इस आर्टिकल में यह कहा जा रहा है जो हमारा युवा दिमाग है, जो युवा लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है ताकि वह आगे जाकर और अच्छी फील्ड में जाकर और अच्छा काम करें और अच्छी उपलब्धता प्राप्त करें, जिससे देश का नाम रोशन हो और भी अच्छी सुविधाएं आगे आएं। साथ ही यहां पर फील्ड मेडल पुरस्कार की बात की जा रही है, जो कि मैथमेटिक्स का अवार्ड है, जो कि लगभग जो यह फील्ड है जो मैथमेटिक्स की, इसमें नोबल पुरस्कार के समान ही माना जाता है, जो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की फील्ड होती है इसमें। इसी के साथ यह जो मेडल है इसकी बात की जा रही है इन व्यक्ति से संबंधित। आप इन व्यक्ति को समझ सकते हैं, यह पर्सन जो है यह है मंजुल भार्गव। इन्हें फील्ड मेडल 2014 में मिला था इस फील्ड के लिए जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इस मेडल और पदक के बारे में थोड़ा जान लें। यह कब स्थापित कब किया गया था, स्थापना 1924 में, और कितने पुरस्कार दिए जा चुके हैं 15,000 CAD द्वारा प्रस्तुत। किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रीय गणित संघ IMU। और पहले सम्मानित, सबसे पहले कब सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से, 1936 में, इसके बारे में थोड़ा आप जान सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप देख सकते हैं, एक बार सर्च करके देखिएगा गूगल पर कि हमारे इंडिया में अभी तक कितने पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे कि नोबल पुरस्कार हो गया, नोबल पुरस्कार हालांकि दिया जाता था शुरुआत से ही फिजिक्स या साइंस की फील्ड में, लेकिन उसके बाद वह बहुत सारी फील्ड में दिया जाने लगा, पुरस्कार शांति की फील्ड में भी दिया जाने लगा। तो आप एक बार सर्च करके देखिएगा कि हमारे यहाँ से कितने लोग हैं जिन्हें साइंस की फील्ड में पुरस्कार मिला है। हालांकि शांति की फील्ड जो शांति बनाते हैं उस फील्ड में बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, और साइंस की फील्ड में आप जाकर सर्च कीजिएगा कि हालांकि अभी तक हमारे यहाँ कितने साइंस की फील्ड में पुरस्कार आ चुके हैं, कितने पुरस्कार मिल गए हैं, इससे बात कही जा रही है। और साथ ही अगर हमें अपने यहाँ के देश की उन्नति करनी है तो हमारे यहाँ जो मौजूदा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, और जो छात्र हैं इनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जिससे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इस आइडिया, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं और इसको आप थोड़ा बहुत जाकर सर्च कीजिएगा, देखिएगा जरूर। इसी के साथ हमारा जो अगला आर्टिकल है वह है धारा 377, जो कि IPC धारा के तहत है। यह आर्टिकल, एक मिनट में बता दूं, यह वाला जो आर्टिकल है इससे संबंधित है, ये जो नीचे वाला है। तो इस वाले आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, एक सेकंड। तो यह जो आर्टिकल है यह एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित है, जहां पर एक व्यक्ति थे जो कि यहां पर रहते थे। तो इनका क्या स्टूडेंट वो फैकल्टी वगैरह थे, तो इन क्या क्या थे, और वो गे भी थे। तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि यह इनने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, जिसमें एक वहाँ का जो समाज है, वहाँ के जो लोग हैं, उनने उस उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। तो यह बात कही जा रही है, इसमें राइटर यह कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर हमने धारा 377 जो कि इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, जिसको अलग कर दिया है, तो इसके तहत अगर लोगों को आज़ादी मिल भी जाती है, इसमें राइट मिल भी जाते हैं, तब समाज है जो, क्या वह इन्हें अपनाएगा, क्या वह इन्हें दूसरी नज़रों से देखना बंद कर देगा। तो यह बात कही जा रही है। तो एक तरह से आपको देखना होगा कि चलो ठीक है, सरकार ने तो राइट दे दिया यहाँ पे, लेकिन जो लोग हैं उनकी सोच बदलने की ज़रूरत है, उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। और जो इस तरह से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हुई हैं, इनको रोकने की ज़रूरत है ताकि लोग और जागरूक हों, और जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं इन्हें सही मायनों में अपने राइट मिले। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। साथ ही हम इसके बारे में टोटल डिस्कस कर चुके हैं 3-4 बार, और तो आप इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। जो अगली न्यूज है वह है राज्य से संबंधित। बात कही जा रही है, मैं आपको पहले थोड़ा सा इस मैप में दिखा देता हूँ, अरावली हिल्स, जो कि यहाँ लगभग गुजरात की बॉर्डर से होते हुए पूरे राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाती है। तो इनकी बात की जा रही है जो अरावली हिल्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि जो यह हिल्स हैं
इनके ऊपर अवैध तरीके से जो पेड़ वगैरह हैं काटे जा रहे हैं और यहाँ अवैध तरीके से काम किए जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, इनको नुकसान हो रहा है, यह जो है घटती ही जा रही है। तो इनको सुरक्षित रखने की बात कही जा रही है। तो साथ ही इन आदेश दिया गया है कि इनके लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया करें, कुछ ना कुछ कानून बनाएं ताकि इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। तो यह बात कही जा रही है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि यह किस राज्य में आती है, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाई दिया है। और थोड़ा सा हो सके तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर न्यूज में आता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का नाम भी इसके साथ लिया जा रहा है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली जो हमारी न्यूज है वह है केरला। अभी आपने देखा होगा केरला में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे बहुत सारी लोगों की जान गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। इसी के साथ कहा जा रहा है इस बाढ़ के आने से बहुत सारा पानी आ गया। तो इस बाढ़ पानी के आने से इस यह रेड बेलीड पाकू नाम की एक जो फिश है, यह आ चुकी है, जिसे एलियन फिश कहा जा रहा है, जो कि दूसरी जगह से आई है। तो यह फिश कहा जा रहा है कि जो यह इलाका था केरल वाला, उस इलाके में जो भी स्पेसीज हैं, दूसरी जो प्रजाति की मछलियां वगैरह हैं, यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि पता नहीं यह इसका नेचर कैसा है, हो सकता है यह मछली दूसरी मछलियों को खा जाए, और हो सकता है यह वहाँ का वातावरण भी खराब कर दे पूरा, जिससे कि वहाँ के जो और भी जीव हैं पानी में रहने वाले, उनको भी उनकी भी डेथ हो जाए, इसलिए कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की बात कही गई है। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं, क्या नाम है इस मछली का, यही बातें कही जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, वैसा तो नुकसान हुआ ही हुआ, जैसे कि बाढ़ आई तो बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत सारा नुकसान हुआ। साथ ही इस तरह की जो परेशानियां हैं जो अलग से निकल के आ रही हैं, वह हुई, हो सकता है यह मछली पानी गंदा कर दे और उस पानी से बहुत सारी बीमारियां निकल के आए और आगे आने वाले समय में लोगों को उस पानी से बीमारियां हो जाएं। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां उपलब्ध हो जाती हैं इस तरह की गतिविधियों से। इसी के साथ चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो आप इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। अगली न्यूज है हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित। यह न्यूज समझने से पहले आपको पहले यह तीन बातें समझ लेनी चाहिए, तीन चीजों के बारे में जान लेना चाहिए। एक तो होती है सेबी, जिसका हिंदी में समझे तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापित किया गया था 12 अप्रैल 1992 में। और क्षेत्र कहाँ आता है, प्रतिभूति बाजार जो कि मार्केट वगैरह होते हैं वो है। क्षेत्राधिकार भारत, मुख्यालय कहाँ है इसका, मुंबई। आप याद रख सकते हैं कि मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ है, तो यह है मुंबई में। एजेंसी कार्यकारी अजय त्यागी जी इसके अध्यक्ष हैं, तो आपको इनके अध्यक्ष का भी नाम पता होना चाहिए। प्रकार वैधानिक निगम, तो आप इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके साथ ही एक टर्म होती है FDI और एक होती है FPI। FDI क्या होती है कि जो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्ट, जो कि क्या होता है, विदेशों के जो लोग होते हैं, जो विदेशों की कंपनियां होती हैं, तो वो डायरेक्टली दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वहां की जो इकोनॉमी है और जो वहां का जो देश है उसकी ग्रोथ हो सके। यह एक अच्छी तरीके से किया, इस तरह से किया जाता है, एक प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, सामने से जाकर किया जाता है, ताकि वहां की जो ग्रोथ है वह हो सके। साथ ही एक होता है FPI। तो यह क्या होता है कि एक तरह से जो FPI होती है, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की FDI, इसके जस्ट विपरीत होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो लोग हैं, जो जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर जो रहने लगे लोग हैं, इंडिया में रहते थे, इंडिया में पैदा हुए, लेकिन बाहर जाके रहने लगे, अब उनके पास पैसे होगा तो वो अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जो हमारे स्टॉक मार्केट वगैरह हैं, इसके माध्यम से, इन सभी माध्यम से शेयर बाजारों में अपना पैसा लगाते हैं। और साथ ही जैसे कि आप देख सकते हैं, इन मनी लॉन्ड्रिंग जैसी प्रक्रियाएं होती हैं कि भारत का पैसा बाहर ले जाते हैं। अब जैसे कोई लोग है, अपने इसमें इन्वेस्ट किया, मुनाफा हुआ और पैसा बाहर ले गए। साथ ही इसी के साथ साथ अगर जो यह पैसा होता है, यह पैसा बाहर जा रहा है, तो हमारे यहाँ जो काला धन होता है, तो यह भी क्या हो जाता है, इसके साथ ब्लैक मनी, यह भी बाहर चला जाता है। और बाद में यही लोग वापस आकर इन्वेस्ट करते हैं, तो जो काला धन था वह क्या हो गया, सफेद, यानी कि जो इलीगल था वह हो गया लीगल। तो इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और हमारी इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान हमारी इकोनॉमी पड़ता है, हमारी इकोनॉमी बहुत गिरती चली जाती है, तो इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। तो अब हम इस आर्टिकल को थोड़ा समझेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, पहले एक टर्म होती है AMRI, भारत के
भारत के ऐसे मैनेजर गोलमेज जो AMIRI है, जो इनका फुल फॉर्म है भारत के एसेट मैनेजर गोलमेज, जो कि क्या कहते हैं, जो बाहर से पैसा वगैरह आता है, तो इसको देखने की एक कमेटी, एक संस्था है जो कि भारत से जो विदेश में पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, जो FPI वगैरह होते हैं, FPI का फुल फॉर्म क्या है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, जो बाहर से लोग पैसे वगैरह भेजते हैं निवेश करने के लिए, उसको नियंत्रित करने की एक संस्था है। तो SBI ने क्या कहा है अभी कि जो AMRI को चेतावनी दी है कि आपने जो यहाँ पर अपनी जो जिम्मेदारी थी वह सही तरीके से नहीं निभाई, क्योंकि जो यह जो पैसा था इसका आपने सही तरीके से देखभाल नहीं की कि किस तरह से कहाँ पर क्या हो रहा है, जिसका आपको अभी देखना पड़ेगा कि कितना सारा नुकसान अभी हमें हुआ है, नीरव मोदी जैसे या फिर विजय माल्या जैसे लोग कितना सारा पैसा लेके भाग गए हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं। तो यही बात कही जा रही है कि इसके लिए आपको ठोस कदम उठाने चाहिए। जो AMRI है, जो भी बाहर से पैसा आता है निवेश करने के लिए स्टॉक मार्केट वगैरह में, इसके लिए आपको नियंत्रण करना चाहिए। इसी के लिए SEBI भी बनाया गया था ताकि इसकी देखभाल हो सके, और इसको क्या किया है, इनने एक सही तरीके से कदम नहीं उठाए। साथ ही पैनल की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि NRI, OCI कार्ड धारक और निवासी भारतीय SEBI के साथ पंजीकृत किसी भी FPI के निवेश का प्रबंधन कर सकते हैं, और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिबंध के तहत FPI की संपत्ति का 50%, इसके साथ देख सकते हैं आप कितनी बड़ी रकम हो सकती है, 50% है FPI का, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 50%, यानी कि लगभग जो बात की जा रही है यहाँ पर, भारतीय बाजार में निवेशकों को नियामक परिदृश्य से अप्रत्याशित मोड़ों के लिए उपयोग किया जाता है, जो 50% है वह भारत में जो बाजार वगैरह है या फिर जो बैंक वगैरह है उनके लिए उपयोग किया जाता है जो बाहर से पैसा आता है। तो इसी के साथ जो हमारी जो गवर्नमेंट है, इसने क्या किया था अभी, जो 75 अरब डॉलर थे उनको क्या कर दिया था, तो इस तरह की जो गतिविधियां थी जिससे कि जो पैसा आ रहा था यहाँ पर इंडिया में, इसी के साथ जो 75 अरब डॉलर था वह सरकार ने अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिसके साथ जो कि जो NRI वगैरह थे और जो बाहर रहने वाले लोग थे जो कि इंडिया मूल के थे, इनने सरकार से कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक अच्छी बात नहीं है, इससे नुकसान होगा बहुत सारा। और लगभग यह बताया जाता है कि जो बाहर से कुल पोर्टफोलियो निवेश आता है वह लगभग 450 अरब डॉलर होने का अनुमान बताया जा रहा है, कि देख सकते हैं आप कितनी बड़ी रकम बाहर से आके यहाँ पर लगाई जा रही है। तो इसी के साथ हमें क्या कहा जा रहा है कि जो FPI है, ग्राहकों के मानदंडों को जाने की जारी किया जाए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपने KYC का नाम सुना होगा, तो ये जो ग्राहक वगैरह है इनके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होता है KYC का, नो योर कस्टमर, तो आपको उनके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि क्या कैसी गतिविधियां चल रही हैं। और इसी के साथ आगे कहा जा रहा है, साथ यहां पर भी यही बात बताई जा रही है कि जो KYC है इसको एक तरीके से सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और जो भी कस्टमर्स हैं उनकी सारी की सारी जानकारी उपलब्ध रहे गवर्नमेंट के पास, ताकि आने वाले समय में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके, और इस तरह से जो भी संभावित चीज़ें हैं उनको मूर्खतापूर्ण रूप से ना लिया जाए। साथ ही यहाँ पर अगर इस तरह से कदम उठाए जाते हैं तो इस तरह से आगे आने वाले समय में जो अभी आपने देखा नीरव मोदी और विजय माल्या जैसी कोई भी घटनाएं आगे आपको नहीं मिलेंगी, तो इस तरह से आप इसके बारे में थोड़ा आइडिया रख सकते हैं। साथ ही जो अगली न्यूज है वह भी हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसमें जो हमारे आप इनके बारे में जान लीजिए, पहले जो पूर्व जो हमारे RBI के जो गवर्नर थे रघुराम राजन जी, तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो यह कार्यालय में कब आए, 10 अगस्त 2012 से 4 सितंबर 2013 तक, इससे पहले कौन थे, कौशिक बासु, ठीक है। और इधर भी देख लीजिए, कार्यालय में 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक, इससे पहले कौन थे, दुबरी सुब्बाराव, इसके द्वारा सफल अभी कौन है हमारे, उर्जित पटेल जी आ गए थे, और इनके बाद यहाँ पर कौशिक बासु के बाद कौन आए थे, अरविंद सुब्रमण्यम, तो आप इन लोगों के बारे में जान सकते हैं। तो इनने जो क्या किया था यहाँ पर, जो अभी इनकी जो यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी थी इसको बहुत अच्छी जगह पर ले गए,
क्योंकि अभी जो हमारी इकोनॉमी थी उस टाइम पे जब इनके आने से पहले वो काफ़ी ख़राब स्थिति में थी, लेकिन जब से यह आए इनने एक बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया और जो भारतीय इकोनॉमी है इसको बहुत अच्छी जगह पर ले गए। तो साथ ही यहाँ पर इनका यह कहना है कि जो छोटे ऋण होते हैं, जो जैसे आप देख सकते हैं किसान क्रेडिट योजना या फिर राजन फॉर्म, RBI IG, ऑर्नोफ्लोग्रिस्टिक स्किन मुद्रा, इस तरह की जो भी गतिविधियाँ हैं, तो यह क्या करेंगी जो आने वाले समय में जो भारतीय व्यवसाय है इनको और ज़्यादा क्या नुकसान देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं किसानों वगैरह को तो यह नुकसानदायक हो सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं 2015 में जो प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना करके लॉन्च की गई थी, जो PMMY के तहत जो मुद्रा ऋण की पेशकश की जाती है जिसके थ्रू, तो आप देख सकते हैं अगर छोटे छोटे सी इकाइयों में अगर हम सरकार ऋण देगी तो वह उसके वापस आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि किसान है अगर उनके वो पैसे डूब जाते हैं तो वह पैसे फिर कहाँ से लाएंगे, फिर से उन्हें लोन लेना पड़ेगा। इसी के तहत कहा जा रहा है MUDRA की वेबसाइट के मुताबिक जो निजी क्षेत्र हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हैं, जैसे बैंकों, ग्रामीण बैंकों और अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा इस योजना के तहत कुल लगभग 6.37 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा राशि वितरित की जा चुकी है इसके तहत। अगर यह राशि लौट के नहीं आती तो यह बर्डन किसके ऊपर आएगा, जो कि हमारी इकोनॉमी है इसके ऊपर। और आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं, किस तरह से हमारी इकोनॉमी और नीचे जा सकती है। तो इनका कहना यही है, तो यह इनकी सोच है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी के साथ यह था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन चला जाए और साथ ही आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।